धन्यवाद बच्चों, मैं क्लास टेन के लिए यह दंतकृत मुस्कान नागार्जुन द्वारा लिखा गया लेकर मैं आया हूँ। बच्चों, मैंने यह दंतकृत मुस्कान का पहला छंद मैं अगले वीडियो में डाल चुका हूँ, जिसमें कवि नागार्जुन कहते हैं बच्चे की नई दांत वाली मुस्कान के संबंध में कि यह लगता है कि इतनी सुंदर मुस्कान है कि इसे देखकर मृतक में भी प्राण आ सकते हैं, और उसके धूल धूसित गात को देख करके लेखक अपने आप में महसूस करता है कि शायद यह जो कमल रूपी बच्चा है तालाब को छोड़कर मेरे दरवाजे मेरे आंगन में खिल उठा है। आगे अब छंद टू में हमें पढ़ना है कि नागार्जुन बच्चे की ओर देखते हुए कहते हैं क्या है कि बच्चा का एक स्वाभाविक आदत होता है कि अगर वह सामने किसी को देखता है तो वह एकटक देखते रहता है। उसी के एकटक देखने बच्चे की जो एकटक देख रहा है किसको, नागार्जुन को। तो नागार्जुन कहते हैं तुम मुझे पाए नहीं पहचान देखते ही रहोगे अनिमेष। यानी नागार्जुन उस बच्चे को कहते हैं कि तुम इस तरह से मुझे शायद पहचाना नहीं, इसलिए तुम मुझे एकटक होकर के देख रहे हो। थक गए हो आंख लू मैं फिर, क्या तुम इस तरह से मेरे को जो एकटक देखते रहेगा इससे क्या तुम्हारी आंखों में क्या होगा, दर्द हो जाएगा, थक जाएगा, इसलिए मैं ही तुम्हें से अपना नजर हटा लेता हूँ। आगे फिर नागार्जुन कहते हैं क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। यानी बच्चों से कहता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे नहीं पहचाना और तुम्हारे और मेरे बीच क्या रिश्ता है यह नहीं जान पाया तो कोई बात नहीं, क्योंकि यह तुम्हारी और मेरी मुलाकात प्रथम मुलाकात है। आगे पुनः कवि नागार्जुन कहते हैं यदि तुम्हारी मां ना माध्यम बनी होती आज मैं न सकता देख मैं न पाता जान तुम्हारी यह दंतकृत मुस्कान। अर्थात नागार्जुन कहते हैं कि तुम्हारे और मिलन तुम्हारे और मेरे बीच क्या रिश्ता है यह क्या है कि तुम्हारी माँ ही है, कि तुम्हारे माँ के माध्यम से ही आज हम और आप अर्थात बच्चे को कह रहे हैं कि आप और मैं मिल सका हूँ, क्योंकि तुम्हारी माँ मध्यस्थता की बीच में आई, इसलिए मैं आज तुम्हें देख ले रहा हूँ, मैं तुम्हें जान पहचान रहा हूँ, और यह तुम्हारे दंतकृत मुस्कान देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आगे भी मैं बतला रहा हूँ बच्चों, आगे आगे क्या कहते हैं कवि नागार्जुन, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य। अर्थात उस दंतकृत मुस्कान अन्य दंतकृत वाले बच्चे से नागार्जुन क्या कहते हैं कि धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चीर प्रवासी मैं इतर मैं यानी, और मैं हमेशा बाहर रहने वाला एक इतर व्यक्ति हूँ यानी अन्य व्यक्ति हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, यानी क्या है कि मैं हमेशा प्रवासी रहा, तुम लोगों से अलग रहा, इसलिए तुम्हारे और मुझ में क्या संपर्क है यह तो संभव नहीं हो पाया। माँ तुम्हारी अपनी उंगली का मधुपर्क कराई अपनी ममता उधेड़ी, लेकिन मैं तुम्हें कुछ प्रेम नहीं दे पाया, देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार। और बच्चे से क्या कहते हैं नागार्जुन कि अगर तुम मुझे जो छुप छुप के कनखी मार करके देखते हो और आंखें चार होती यानी एक दूसरे की आंखें मिल जाती है, तब यह जो तुम्हारी दंतकृत मुस्कान है वह मुझे बहुत ही आकर्षक मनमोहक लगता है, और यह तुम्हारा यह दंतकृत मुस्कान मुझे बहुत ही आकर्षक प्रतीत होता है।
बच्चे ये अहंकृत मुस्कान नागार्जुन के द्वारा लिखा गया पाठ मैंने पढ़ाया और उसके आधार पर ये चार प्रश्न मैं दिया हूँ, इसे बना लें। ये चार प्रश्न है, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरा है, बच्चे की मुस्कान और बड़े की मुस्कान में क्या अंतर है। तीसरा है, मुस्कान और क्रोध भिन्न भिन्न भाव हैं, इसे आप अलग करें। चौथा, बच्चे से कवि की मुस्कान का शब्द चित्र उपस्थित हुआ है, उसे अपने शब्दों में लिखें। धन्यवाद बच्चे।